आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में कांग्रेस पर गरजे। राहुल गांधी ने कहा, असम में सरकार बनी तो लागू नहीं होने देंगे सीएए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ली बैठक। काम नहीं करने वालों पर एक्शन लेने के लिए निर्देश। उपचुनाव को लेकर भाजपा ने शुरू की तैयारियां। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बोले, बेहतर और जिताऊ कार्यकर्ता को मिलेगा टिकट। और इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी का राष्ट्रीय अधिवेशन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिनेता सोनू सूद को किया सम्मानित। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने गुरुवार को ही चीन की कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इमरान खान होम आइसोलेशन में चले गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान को चीन से करीब 5 लाख वैक्सीन की डोज दान में मिली है। इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने वैक्सीन लगवाई। हालांकि इमरान खान को अभी पहली डोज ही लगी है। संक्रमण से बचने के लिए 2 डोज लगवाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के चबुआ में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर तकलीफ हुई कि इस देश की एक ऐसी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने इस देश पर 50-55 साल शासन किया, ऐसी कांग्रेस पार्टी आज भारत की चाय की पहचान को मिटाने वालों का खुलेआम समर्थन कर रही है। हाल ही में उन्होंने श्रीलंका की एक फोटो शेयर की और बताया कि यह असम है। इसके बाद ताइवान की भी फोटो शेयर कर उसे असम बताया। यह हमारे खूबसूरत असम के साथ अन्याय और अपमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के जोरहाट में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए काम कर रही है। इसमें गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं सोचा जा रहा है। बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि आपके जेब से पैसा निकलकर पूंजीपतियों की जेब में दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि असम में सीएए नहीं आएगा। हम यह ना असम में ना देश में लागू होने देंगे। उन्होंने कहा कि असम में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और राज्य में शांति होगी और असम विकास की राह पर लौट आएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही टीएमसी और भाजपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के केजूरी में चुनावी रैली करते हुए ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई आम आदमी 500 रुपए चोरी करता है तो उसे तोलाबाज कहा जाता है, लेकिन करोड़ों रुपए की चोरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को क्या कहते हैं? क्या भाजपा को तोलाबाज का सामंती जमींदार कहना चाहिए? दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर केंद्र सरकार ने एतराज जताया है। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई एक समीक्षा बैठक में अहम निर्णय लिया है। केजरीवाल ने इस योजना से नाम हटाने की बात कही है। बैठक के बाद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस महीने की 25 मार्च से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से दिल्ली में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना चालू होने जा रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने दत्तात्रेय होसबोले को अपना नया सर कार्यवाह चुना है। दत्तात्रेय होसबोले सुरेश भैयाजी जोशी की जगह लेंगे। प्रतिनिधि सभा की बेंगलुरु में हुई बैठक में दत्तात्रेय होसबोले के नाम पर मुहर लगी है। इससे पहले दत्तात्रेय होसबोले 2009 से ही सह सरकार्यवाह थे। भैयाजी जोशी 2009 में संघ के सरकार्यवाह बने थे और उन्होंने 3-3 साल का अपना चार टर्म पूरा किया। संघ में हर 3 साल पर सरकार्यवाह पद का चुनाव होता है। केरल में यूडीएफ ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र पीपल्स मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें सभी सफेद कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम चावल निशुल्क देने और गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाने का वादा किया गया है। यूडीएफ ने सबरीमाला के भगवान अयप्पा मंदिर के परंपराओं की रक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाने और राजस्थान की तर्ज पर शांति एवं सौहार्द विभाग बनाने का भी जनता से वादा किया है। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए भी कई वादे किए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य में 6 अप्रैल को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली और यह बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, डीजीपी एमएल लाठर, गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार सहित पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि जो विभाग में काम नहीं कर रहे हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों पर एक्शन लेने की छूट दी। सीएम गहलोत ने कहा कि जनता को सरकार और पुलिस पर बहुत विश्वास है, ऐसे में जनता का विश्वास रखना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं हाल के दिनों में हुई घटना पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री पुलिस की छवि को लेकर भी चिंतित नजर आए। उन्होंने बैठक में पुलिस को छवि सुधारने के निर्देश दिए।
प्रदेश की 3 सीटों पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। उपचुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में लग गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया है कि सरकार भले ही कितना धनबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे। इसके साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर भी सतीश पूनिया ने साफ कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच से ही जो भी सबसे बेहतर और जिताऊ कार्यकर्ता होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पिछले दिनों पंचायत चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को जनता ने नकारा है, उसी तरह से जनता उपचुनाव में भी कांग्रेस को नकारेगी। नहीं, टिकट सिलेक्शन कोई टफ नहीं है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में से लड़ना और पार्टी के पास में एक योग्य और क्षमतावान और जीतने वाले कार्यकर्ताओं की लंबी खेप है, उसमें से भी जो 21 होगा उसके बारे में विचार करेंगे। पार्टी की अच्छी बात तो ये है कि हर जगह और दर्जनों कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने में और जीतने में सक्षम है, लेकिन फिर भी उसमें से बेहतर सिलेक्शन कैसे हो, किस परिवार से हो, किस विरासत से हो, ये बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन इसी खेप में से जो भी होगा, जाति बिरादरी या ऊंचा नीचा, इसकी बजाय पार्टी के लिए समर्पित और पार्टी के लिए काम करने वाला और हमेशा जुड़े रहने वाला परिवार, और उसमें से भी जीत के संभावनाएं, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत हैं उनके बीच में से, ये भी एक मशक्कत का काम है, पर मुझे लगता है कि पार्टी में योग्य क्षमतावान व्यक्तियों में से एक का सिलेक्शन करेंगे और बाकी सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 32वें अधिवेशन में शामिल हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौर में देश में प्रभावी प्रबंधन के कारण इस मानवीय त्रासदी से कम नुकसान हुआ। टीकाकरण अभियान में भी भारत ने अपनी पहल से विश्व भर में खास पहचान बनाई है। राज्यपाल ने इससे पहले प्रख्यात अभिनेता एवं समाज सेवी सोनू सूद को जस्टिस नरेंद्र सिंह स्मृति अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से ऑनलाइन सम्मानित भी किया। राज्यपाल मिश्र ने अभिनेता सोनू सूद को बधाई देते हुए कहा कि वैश्विक महामारी से पैदा हुए मानवीय संकट को दूर करने के लिए उन्होंने जिस संवेदनशीलता और सेवा भाव का परिचय दिया, वह समाज के लिए अनुकरणीय है। वरिष्ठ भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन एक निजी कार्यक्रम के तहत जयपुर आए। शाहनवाज ने आमेर कुंडा स्थित हाथी गांव की सैर की। उन्होंने अपने परिवार के साथ हाथी की सफारी का लुत्फ उठाया। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन का महावत एसोसिएशन और वन विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। शाहनवाज ने हाथी गांव की व्यवस्था पर खुशी जताई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।